हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने सैमसंग के फ़ोन को सिस्टम अपडेट करना चाहते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि अगर हम अपने सैमसंग के किसी भी फ़ोन को सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप सैमसंग के किसी भी फ़ोन को अगर सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहो तो किस तरीके से आप कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। तो सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का डाटा को इस तरीके से ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद फ्रेंड्स, आपको अपने सेटिंग ऐप को ओपन कर लेना है। सेटिंग ऐप को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहां पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है, और नीचे आने के बाद फ्रेंड्स, यहां पर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहां पर आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहां पर आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अगर आपके सैमसंग के फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट करने का ऑप्शन आया होगा तो फ्रेंड्स, यहां पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इसी डाउनलोड के ऑप्शन पर आपको क्लिक करके इसे सॉफ्टवेयर अपडेट कर देना है। अगर फ्रेंड्स आप में सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं आया है सैमसंग के फोन में, तो इस तरीके का इंटरफेस देखने को नहीं मिलता होगा। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डाउनलोड का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपका सैमसंग का फोन यहाँ पर सिस्टम अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि साइज कितना है, तो यहाँ पर 864 MB का है। जैसा कि आप यहाँ पर साइज देख सकते हो, 864 MB का है ये साइज, यानी कि सिस्टम जो अपडेट है मेरा, सॉफ्टवेयर अपडेट है वो 864 MB का है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इस तरीके से डाटा को पहले ऑन कर लेना है, और ऑन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर ये 2% हुआ है, और ये 100% तक हो जाएगा फ्रेंड्स, तब आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। अब आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद फ्रेंड्स, जो भी लैग प्रॉब्लम या हैंग प्रॉब्लम आपके सैमसंग के फ़ोन में होगा वो खत्म हो जाएगा, और आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी कि कोई भी हिस्ट्री आपकी डिलीट नहीं होगी, कोई भी नुकसान नहीं है फ्रेंड्स। इससे क्या होता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने से ये फायदा होता है फ्रेंड्स, कि अगर आपका फ़ोन हैंग कर रहा है या लैग कर रहा है, और या कुछ ऐसी होती हैं कि कमी आती हैं, तो फ्रेंड्स वो सही हो जाती हैं। अगर आप न्यू वर्जन में सिस्टम अपडेट यानी कि सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं, तो इस तरीके से आपकी हैंगिंग प्रॉब्लम और मोबाइल गर्म हो जाता है चलाते चलाते, तो वो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, और न्यू वर्जन में आपका स्मार्टफोन वर्क करने लगेगा, यानी कि बहुत ही स्मूथली वर्क में आपका वर्क करने लगेगा स्मार्टफोन। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने सैमसंग के किसी भी फ़ोन को सिस्टम अपडेट यानी कि सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहो तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये रही छोटी सी जानकारी। अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी हेल्पफुल और अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।